दिस टर्मिनोमा, ये फाइनल ईयर MBBS का क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन जर्म सेल ट्यूमर है। जर्म सेल ट्यूमर मतलब आप समझ रहे हैं कि जर्म लेयर से राइज होता है एक्टोडर्म एंडोडर्म मेसोडर्म से। ओवियन काउंटर पार्ट ऑफ सेमिनोमा ऑफ टेस्टिस, ये मोस्ट कॉमन है, यूनिलेटरल है, मोस्टली यूनिलेटरल होता है, बट 10% केसेज में ये बायलेटरल होता है। मेलिग्नेंट और रेडियो एक्टिव होता है, मतलब ओवरी का कैंसर है तो उसका नाम डिसजर्मिनोमा पड़ सकता है। ट्यूमर ओक मार्कर्स क्या क्या होते हैं इसके लिए, दैट इज़ बीटा HCG, LDH एंड प्लाजेंटल एल्कलाइन फॉस्फोडेज, दैट इज़ PL, प्लाजेंटल AP, एल्कलाइन फॉस्फोडेज, तो इसको प्यार से PLAP के नाम से जाना जाता है रिपोर्ट्स में। नाउ मॉर्फोलॉजी, ग्रॉसली ये स्मूथ फॉर्म कैप्स्यूल होता है, सॉलिड मास होते हैं ऑफ वेरिएबल साइज, ठीक है। कट सेक्शन में ग्रे वाइट टू पिंक लोबिलेटेड, सॉफ्ट फ्लैशी होता है, विद लोकाई ऑफ हेमरेज एंड नेक्रोसिस डिहाइड्रेशन। हिस्टोलॉजी में जो ट्यूमर सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं, पीरियस में लार्ज वेसिकुलर न्यूक्लाई होते हैं, क्लियर साइटोप्लाज्म होता है, रिच होते हैं इन ग्लाइकोजन, राउंड पॉलीगोनल सेल्स होते हैं, अरेंज होते हैं इन शीट लाइक पैटर्न, सेपरेटेड होते हैं बाय फाइब्रस सेप्टा। इन्वेस्टिगेशन में ट्यूमर मार्कर्स आ जाते हैं, जिसमें आ जाता है LDH, बीटा HCG, प्लैप। मॉलिक्यूलर मार्कर्स होते हैं OCT3/4NA-NO4। ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव सर्जरी, रेडियोथेरेपी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है बिकॉज इट कैन डिस्ट्रॉय ओवरी, एंड कीमोथेरेपी मिलती है ब्लियोमाइसिन, एटिपोसाइड और सिस्प्लेटिन की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।